नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता प्रकाश कुमार, जो कि बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति शाखा हिलसा के सचिव हैं, साथ साथ बिहार हिलसा अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त सचिव हैं। जानेंगे कि बिहार में युवाओं की रोजगार कितना जरूरी है। युवाओं को रोजगार बहुत ज़रूरी है। युवा चाहते हैं कि अपना जो है कंपनी लगा कर, छोटा छोटा कंपनी लगा करके पैसा कमाया जा सकता है। और युवा लोग तो सबसे पहले चाहता है कि एक मतलब 50,000,000 रुपया मिलता है। छोटा छोटा जो आदमी, जो किसान वर्ग के लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये 50,000 अगर सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलती है तो वे अपने कामयाबी में अपना समय व्यतीत करेंगे और अपने बच्चों को पालन पोषण करने में भी उनका काफ़ी सहयोग मिलेगा। ज़्यादातर बिहार में देखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। हाँ, यहाँ पर तो जो साधारण से जो लोग किसान हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो चाहते यही हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में जाएं। बहुत अच्छा सोच है। बिहार के वासी लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी में जाए ताकि हमारा बुढ़ापा का सहारा बन सके। बताइए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार देने की घोषणा किया, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा तरफ से यही सोच है कि बिहार में जो हमारे नीतीश कुमार जी रोजगार देने की बात जो 10,000 किए हैं, हम जैसा समझते हैं कि वो सफल होंगे। और हमारे तेज प्रताप जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो 10,000 जो नौकरी देने की बात कहे हैं, 10,000 नौकरी, 10,000 रोजगार, और 10,000 जो है रोजगार देने की बात कहे हैं, हम समझते हैं कि ये सही कह रहे हैं। और ये जो हमारे जो बच्चे लोग हैं नौकरी में जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि जो सरकार जो कहा है अगर वो करके दिखाता है तो आने वाले चुनाव में हम समझते हैं कि बीजेपी सफाया हो जाना है। बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अभी भी कम लोग रुचि लेते हैं, फिर भी नौकरी में लोग जाना चाहते हैं, वैसे में क्या सोच रहे हैं? रुचि लोग, गांव के लोग उतना जानकारी नहीं रह पाता है। रंगीन मोबाइल नहीं रहने के कारण गांव के लोग बच्चे को परेशानी होता है। पहला सोच है माता पिता का कि मोबाइल अपने बच्चों को नहीं दें, तो गार्जियन के पास रंगीन मोबाइल एकाध पीस भी रहता है तो उससे कुछ बच्चे लोग हमारे अच्छे अच्छे चीज़ जानकारी लेते हैं और नौकरी में वो जो है आगे बढ़ते हैं और नौकरी में फार्म भरेंगे तो निश्चित रूप से और पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उनको नौकरी नहीं लगेगा। पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे जो क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे बच्चे हमारे हैं, निश्चित रूप से अच्छे अच्छे जो है पदाधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में वो प्रकट करेंगे और वो अपना नौकरी पाएंगे।